नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ा 11 महीने का मासूम बच्चा। नाली में डूबने से हुई मासूम की मौत। लगातार शिकायत के बाद नगर पालिका प्रशासन इलाके की नालियों को नहीं करवा रही साफ। स्थानीय लोग नगर पालिका अध्यक्ष पर भेदभाव का लगाया आरोप। जनपद संभल के चंदौसी में एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते एक घर का चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया। 11 महीने का मासूम लक्ष्य बस घर से अंदर खेल रहा था, अचानक अलबक्श खेलते खेलते घर के बाहर यानी नाली में जा गिरा। परिजनों ने मासूम को घर से बाहर देखा तो मालूम लापता हो गया था। तभी आस पड़ोस के लोगों ने जब नाली में देखा तो 11 महीने का मासूम अलबक्श दुनिया को अलविदा कह चुका था और जाते जाते नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल खड़े करके चला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चंदौसी नगर पालिका अध्यक्ष इंदु रानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, इसीलिए वह मुस्लिम इलाकों को किसी भी तरफ से सफाई नहीं करवाती है। इलाके में जल भराव व नालियों के शौक होने की शिकायतें कई बार भी नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण है कि एक मासूम ने दुनिया को छोड़ दिया और अपने पीछे छोड़ गया कई सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल घटना होने के बाद से कोई भी नगर पालिका प्रशासन का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल स्थानीय लोगों में नगर चंदौसी के प्रति भारी रोष व्याप्त है। बच्चे की जो मौत हुई है, ये क्या मामला है? ये पानी की वजह से हुई है। पानी कहाँ भरा हुआ है? मेंबर से गई, चेयरमैन से गई, गुलाब देवी भी देखे गई हैं। पानी की नालियों की कोई सुनवाई न कर रहा। कितने दिन हो गए मुझे कहते कहते, हार के मैंने अपनी ईटा दबाई छत पे से, मैं नाली बड़ी करवा दूंगी। सही में रेता भी मंगाया, बजर पट्टी मंगाया, मैंने बनवा दी तो एकदम में हर भंगी भी सफा करके नाली में जाते हैं। बुलबुल करके मना कर रखा है कि नाली में सफा मत करिए। सफाई कर्मचारी भी सफाई नहीं करते ना, मना कर दिया है कि सफाई मत करियो। क्यों क्यों इधर की सफाई क्यों ना करो? क्या मालूम क्यों पानी भरा रहा है, क्या गंदगी कितनी है देखो आम के, वो कितनी गंदगी हो रही है। क्या है यार, बंद करा दी, पुलिया बंद कराइए। अब पुलिया बंद करा दी आगे से। तो आप इसके इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या हुआ है? नाली में गिरा है, नगर पालिका की शिकायत भी करी हमने, एक अगर कंप्लेंट करी डीएम तक, कंप्लेंट है नहीं नगर पालिका की, कोई डीएम कर रहा थी नहीं, चेयरमैन है यहाँ का वो नहीं कर पाया, नहीं विधायक कर पा रहा था। तो यहाँ नालों की सफाई नहीं होती है कभी? नहीं होती, एक साल से इसकी सफाई नहीं हुई है। और आते हैं गाली गाली करो तो और वक्त हैं। कौन ये नगर पालिका वाले हैं और ये जो सफाई कर्मचारी हुई है? तो बच्चे की जो मौत हुई है वो नाले में गिरने से हुई है? नाले में गिरने के बाद। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे एक साल का है, 11 महीने का बच्चा है, 11 महीने। तो अभी आपने इसमें कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई की क्या कार्रवाई? तहरीर दी है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ तहरीर दी है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद खान। कहाँ रहते हैं? ये बारिश नगर आजानी के पास। अच्छा, आज यहाँ पर एक बच्चे की मौत हुई नाले में गिरने से, वो क्या है मामला? ये सब लोग ढूंढ रहे थे, इनको मिल नहीं पाया था, घर में सब में देखा, इधर भी देखा और जाहिर नगर कॉलोनी में देखा, फाटक के पास नहीं मिल पाया। फिर हमने एक बार जो गड्ढे में कोशिश करी अलग उस साइड में बाहर जाके, तो भी नहीं मिल पाया। जब मैंने दुकान के नीचे को देखा, स्लिप के नीचे को, तब पड़ा वो मिला है बच्चा, खोला हुआ, पानी भरा हुआ था, बिल्कुल खोला हुआ मिला हुआ था, वो नीचे से बच्चे ऊपर को आ गया था। फिर आपने उस बच्चे को परिवार वालों को दे दिया? एकदम से खींच के उसको पानी निकाला, तो बच्चे के अंदर जान नहीं पा। तो किसकी लापरवाही मानना है? नगर पालिका की लापरवाही मानेंगे इसमें, तो क्योंकि वो पानी भरा रहता है यहाँ पर, पानी भरा रहता है। कार्रवाई रिक्वेस्ट भी हो गई है, गुलाब देवी भी आई है, उनका जन भी आए हैं, सब देख गए, लेकिन किसी ने यहाँ की सफाई व्यवस्था नहीं कराई, कोई कार्रवाई अभी तक यहाँ पर हुई नहीं। पानी भरा रहता है, एक तो ये काम नहीं हो पा रहा।